इसी पर आधारित फिल्म पर लगाया गया बैन। 3 जनवरी 2019 को भारत में यह फिल्म प्रदर्शित नहीं होगी। गांधी मर्डर फिल्म के निर्माता को मिल रही है असामाजिक लोगों से धमकियां। इस फिल्म के प्रदर्शित न होने पर राष्ट्रवादी के विधायक डॉक्टर जितेंद्र आवड़, इनका क्या कहना है, आइए देखते। गांधी हत्या के बारे में एक चित्रपट सिनेमा 30 जनवरी को रिलीज होने वाला है, पूरी दुनिया में दिखाए जाने वाला, लेकिन भारत में उसको अलिखित बंदी कर दी है। कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा। किसको डर लग रहा है? गांधी हत्या का अगर सिनेमा आता भी है, प्रदर्शित भी होता है, तो डर किसको है? कौन है वो जो इसके निर्माता और दिग्दर्शक को जानलेवा हमले की धमकी दे रहा है, जान लेने की धमकी दे रहा है? क्यों डरे हैं वो, हुए हैं वो दिग्दर्शक और निर्माता कि भारत में हम चित्रपट प्रदर्शित नहीं करेंगे, किसी को देखने भी नहीं मिलेगा? क्या जरूरत है इसकी? कौन है ये नथुराम के बगल बच्चे जो आज भी देश में हिंसा का माहौल तैयार कर रहे हैं? जिस तरीके से हमारे गणतंत्र पे ये जमाव हावी हो रहा है, ऐसा लगता है कि हमारे गणतंत्र का गला वो दबा रहे हैं, सांस लेने में मुश्किल हो जाएगा। ये संविधान ने हमें अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दी है, बोलने का अधिकार दिया है, व्यक्त होने का अधिकार दिया है, अगर वो ही हमारे पास नहीं रहेगा तो रहेगा क्या? और इसलिए हम सभी लोग जो भारत के गणतंत्र और संविधान पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, प्यार करते हैं, बाहर आके साफ शब्दों में कहना चाहिए कि इससे भारत की बदनामी हो रही है। जो भारत की पहचान है उसके ऊपर काला डब्बा लग रहा है। गांधी हत्या के बारे में जो भी चित्रपट है वो भारत में किसी का भी विरोध हो, हम लोगों ने साथ मिलकर उन निर्माताओं को कहना चाहिए कि चित्रपट दिखाओ, पिक्चर दिखाओ, हम आपके साथ हैं। फिल्म निर्माता इस फिल्म को भारत में रिलीज करे और गांधी हत्या की जानकारी देशवासियों को होना चाहिए, ऐसा जितेंद्र आवड़ इनका कहना है। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव और आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।